निलॉस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर एस्ट्रॉन यूनिसेक्स सैलून कचहरी रोड अजमेर सैलून जो आपको देता है स्टाइल। ये इस गली में ट्रैफिक की बहुत भारी समस्या है। आने जाने वाले जो थ्री व्हीलर है और टू व्हीलर है रोज दिन में कम से कम 15 से 20 बार जाम की स्थिति लगती है। दोनों व्हीकल अगर सामने आमने आ जाते हैं तो 15-15, 20-20 मिनट का जाम लग जाता है। इसका समाधान मैडम ने हमको बताया कि इस जगह थ्री व्हीलर को अलाउ ना किया जाए, केवल टू व्हीलर को अलाउ किया जाए। और उन्होंने हमें 2-3 सुझाव दिए थे जिसके लिए उन्होंने कहा था कि यहाँ पे अगर आप दोनों साइड पिलर लगा देते हैं तो थ्री व्हीलर एक निश्चित समय में, जिसके लिए हमने तय किया कि 12 बजे से लेकर 7 बजे तक यहाँ पर थ्री व्हीलर नहीं आएंगे। बीच में स्कूल के बच्चे जिस ऑटो में आते हैं उन्हें हम स्टिकर देंगे और उन बच्चों के लिए हम उन ऑटो रिक्शा को अलाउ करेंगे वो जिस वक्त भी आते हैं। सर, आज इनके मकान की फोर व्हीलर आएगी, वो कैसे आएगी? इस गली में जिनके पास भी फोर व्हीलर है वो नया बाज़ार में पार्क करते हैं, अंदर लेके नहीं आते हैं। एक के पास थी लेकिन वो अब यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं। सर, आपकी भी दुकान पे कोई फोर व्हीलर आती है, कोई कस्टमर आता है? नहीं नहीं, वहाँ पे अंदर गली में कोई फोर व्हीलर आता ही नहीं है। गली में इतनी जगह ही नहीं है कि फोर व्हीलर आती नहीं है। कोई इमरजेंसी के अंदर एम्बुलेंस या इस तरह की गाड़ी आती है, फोर व्हीलर बहुत रेयर केस में आती है। और स्कूल के बच्चों जो आएंगे उनको कैसे परमिशन दी जाएगी? स्कूल के बच्चों के लिए हमने जो जो ऑटो रिक्शा वाले स्कूल के बच्चों को लेके आ रहे हैं उनको हम एक स्टिकर दे देंगे, उनके नंबर हम नोट कर देंगे और जिस वक्त भी उनका समय भी नोट कर लेंगे कि जिस वक्त वो आते हैं उनको अलाउ करेंगे हम उतनी देर के आने के लिए। समय के बाद आते तो उनका समय होता है, स्कूल के बच्चे के लेकर के आ रहे हैं तो हम उस स्टिकर के हिसाब से उनको अलाउ करेंगे। जी बिल्कुल, पुलिस प्रशासन के साथ ये तो व्यवस्था की बात है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ है और वो हमको हेल्प कर रहा है, हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं, तो ये हम उनके लिए और अपने लिए कर रहे हैं एक तरह से। अजमेर में ये होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ट्रैफिक व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है और क्योंकि अभी फ्लाईओवर और ये सब बन रहा है, फ्लाईओवर और बन रहा है तो अगले एक साल तक थोड़ी हालत ख़राब रहनी है, तो हमें सबको सहयोग करना चाहिए, प्रशासन को भी सहयोग करना चाहिए और अपनी जनता के लिए हमें ये करना चाहिए कि हम वन वे कर दें, जहाँ से ज़रूरत हो वन वे कर दें, जहाँ ज़रूरत नहीं हो वहाँ पे हम रोक भी सकते हैं। ये सब दुकानदारों की हो रहा है? बिल्कुल, पूरी हमारी एसोसिएशन बनी हुई है, खजाना गली व्यापारिक एसोसिएशन, मैं उनका अध्यक्ष हूँ। ये प्रवेश जोशी हैं, ये हमारे महामंत्री हैं और हम लोगों ने सबने मिलकर के ये जगह लगाया आपने? ये खजाना गली के नुक्कड़ जो नाला बाजार को टच करता है उस जगह लगाया। अगला हम उस गली पे घी मंडी के नुक्कड़ पे लगाएंगे एक पिलर। आपका नाम? मेरा नाम रमेश सोनी, खजाना गली अजमेर।